नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग। आज मैं एक आपके नए सॉल्यूशन के साथ प्रस्तुत हूँ। इस बीच आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर, तैयारी करने का बेस्ट टाइम क्या होगा, कैसे करना चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए उसके। तो चलिए हम लोग अगर बात करें तो जितना मैंने अपने बैचेस के माध्यम से देखा, जो मेरा एक बैच है आफ्टर ट्वेल्थ, बहुत उसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही ऑसम, बहुत ही एनर्जेटिक रहे। और उससे मुझे लगा कि जो बेस्ट टाइम होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का, वो आफ्टर ट्वेल्थ होता है। आप पूछ सकते हैं क्यों ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए, तो उसके पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि जो ट्वेल्थ के बाद जो हमारा स्टूडेंट होता है उसका माइंड बहुत फ्रेश होता है, उसके पास कोई फियर नहीं होता कि यार इस साल एग्ज़ाम देना है, इतना जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करना है, और वो चीज़ों को बड़े इन्जॉय करते हुए सीखता जाता है। और सीखने की इस प्रक्रिया में उसके फंडामेंटल्स जो होते हैं वो बड़े मजबूत हो जाते हैं, उसके पास इनफ टाइम होता है 3 साल का, और वो इस बीच में अपने सारे डायमेंशंस, चाहे वो जीएस के हों, चाहे करंट अफेयर्स के हों, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हों, आंसर राइटिंग के हों, एसे के हों, इंटरव्यू के हों, इन सबको वो स्टेप बाय स्टेप करता जाता है। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट होता है जिसके पास टाइम कम होता है, 1 साल या 2 साल, इतनी ढेर सारी चीज़ों को सीखने में वो बड़ी हड़बड़ी में, वो ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ें पूरी तो कर गया है लेकिन वो उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है, राइट। दूसरा एक जिसका कारण ये भी है कि आप सर्विस में जितनी जल्दी क्वालिफाई करके पहुंचोगे, 21 साल 22 साल, जिस तरह आप देख रहे हो कितने कम उम्र के बच्चे जो हैं यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, उतना ही आपका जो सर्विस स्पैन होगा वो उतना ही जो है वो लंबा होगा। चूंकि यूपीएससी जो है वो एक अनुभव आधारित सेवा है, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप नेशन के लिए उतने जो है एसेस्ट में कन्वर्ट होते चले जाओगे, और ऐसी कंडीशन में आप जो है वो यूपीएससी में हायर रैंक तक पहुंच सकते होगे, कैबिनेट सेक्रेटरी या जो है वो हायर रैंक जो है आपको वहां मिल पाएंगी। तो इससे आपका जो है वो जो एक मकसद है, जो एक पर्पज़ है, वो भी पूरा होगा। सो यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं, अगर आप 12th पास कर चुके हैं या 12th पास करने वाले हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट, स्टेप बाय स्टेप। अब सवाल है कि आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन करें कैसे। सो कई बार ऐसा कहा जाता है कि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे वी स्टार्ट विद एनसीईआरटी, बट मैं थोड़ा सा इस पर एग्री नहीं करता। पहले सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, राइट। सिलेबस का मतलब ये नहीं कि आपने ये देख लिया कि इसमें इतिहास है, भूगोल है, ये है। आपको सिलेबस के एक एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये आपका गाइड मैप है, राइट। आपको सिलेबस बार बार पढ़ना है, थॉरलो पढ़ना है, और आपको वहां पर जो है वो आपके दिमाग में सारा का सारा सिलेबस होना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर खोलें, कोई भी पेपर खोलें, आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस के किस हिस्से को ये स्ट्राइक करेगा, राइट। तो आपको सिलेबस जो होना चाहिए वो बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो आईएएस के लिए बनी है, जरूरी नहीं तो बेचारे बच्चों के लिए बनी हुई है। आपको उस बुक से जो है अपना बेस्ट कैसे निकलना है उसके लिए आपको फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, राइट। और आप उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे, लगभग 10 साल 15 साल ये पेपर आप लेकर आइए और इनका जो है वो अध्ययन करिए। जब आप इनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कितनी बार और कितने तरीके से पूछा जा सकता है, राइट। और इसमें आपका हुकिंग हो जाएगी, जिसको हम लोग पहले भी पैक सिस्टम में समझ चुके थे कि ये हुकिंग हो जाएगी। और जब ये हुकिंग हो जाएगी तब वहां पर जो है आप आगे और पीछे इसको जोड़कर जब यानी बुक खोलोगे तो आपको पता रहेगा, अच्छा इस वाले पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले आप 12th के बाद से ही अपना माइंड सेट कर लीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, आप जो है वो सबसे पहले सिलेबस का बहुत अच्छे से अध्ययन करिए, इसके बाद जो है आप अध्ययन करेंगे अपने जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, इसके बाद नाउ गो टू द एनसीईआरटी बुक्स। तो एक इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जहां पर आप जो है वो एनसीईआरटी में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपनी जो राइटिंग स्किल को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहिए, रीडिंग स्किल को इंप्रूव करते रहिए, क्योंकि आपको पढ़ना इसमें बहुत कुछ है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो आपके व्यक्तित्व की जो स्मार्ट स्टडी मेथड्स हैं वो आपको पहले से ही प्रिपेयर होने चाहिए, ताकि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर 1 साल भी अपना टाइम लगाते हो तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, अच्छी रैंक के साथ आ सकते हो, और हो सकता है कि आप पहले ही प्रयास में जो है यूपीएससी में सफल हो जाओ। और जो पैटर्न दिखाई पड़ रहा है हमें, उसमें आप तमाम ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वहां पर सेलेक्ट हो रहे हैं। अब दूसरी चीज, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, खर्चा बहुत ज्यादा है, या भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सो वी हैव ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो, राइट।
जिसमें हमने जीएस कॉन्सेप्टर का पहला बैच बना दिया। जीएस कॉन्सेप्टर का वो बैच जहां पर जो क्लासेस चल रही हैं हूबहू, जहां पर हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, डिबेट्स के फॉर्मेट में और अपने फंडामेंटल को बनाते हुए उसी वे में, ताकि इंट्रैक्शन रहे, आपका सब्जेक्ट के साथ लगाव बढ़े और आप उसकी डेप्थ में जा सको, वो हमने ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करा रखी हैं। तो अगर आप दिल्ली आ सकते हो तो बहुत अच्छा है। ट्वेल्थ के पास वाले बच्चों के लिए हमारा 3 साल और 2 साल का बैच है, और अगर नहीं आ सकते तो सेम वही क्वालिटी जो है वो आपको आपके ऑनलाइन, आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल पर भी मिल जाएगी, और इसके माध्यम से आप अपने बेस को पूरा कवर करते हुए आगे बढ़ जाओगे। और जब दिल्ली आओगे तो आपको सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक मारना होगा, आपको अपने आप को जो है वो रिफाइन करना होगा, और डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। लेकिन स्टेप आपको अभी से उठा लेने चाहिए, राइट। और जो मेरे दोस्त दिल्ली नहीं पहुंच सकते, यहाँ के खर्चे को वो बियर नहीं कर सकते, वो भी ऑनलाइन के साथ हमारे साथ जुड़कर उसके साथ जो है वो फ्रूटफुल हो सकते हैं, वो उसके साथ जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं, और अपनी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे आप वर्किंग हो, नौकरी कर रहे हो, नहीं टाइम मिल रहा है, नहीं छोड़ सकते नौकरी, या कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसके साथ भी अपना जो है वो अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हो, एक मॉड्यूल में आकर अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हो, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो इसके साथ आप, इसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.ojangisacademy, उसको आप जो है वो इस पर आप लॉगिन करिए, वहाँ पर आप जाइए, देखिए, डेमोज पड़े हैं, या जो मेरा नंबर है 8506845434, इसके साथ आप इस पर कॉलिंग करके जो प्रोसेस है उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे आपको उतनी जल्दी जो है वो मंजिल मिलेगी। और एक बात और कह दूंगा, कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो एग्ज़ाम से 5-6 महीने पहले आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें बता दीजिए कि हम 6 महीने में हम जो है वो आईएएस क्रैक करना चाहते हैं। कई बार जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आइए हम आपको जो है करा देंगे। लेकिन ईमानदारी से कहता हूँ कि आपको व्यक्ति से व्यक्तित्व का जो सफ़र है, आपका पर्सन से पर्सनैलिटी का जो सफ़र है, आपको सिलेबस केवल नहीं पूरा करना, आपकी रीडिंग, राइटिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, आपको परिस्थितियों को समझने का तरीका, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यहीं पर जो है वो अंतर पैदा हो जाता है एक पास होने वाले और एक ना पास होने वाले के बीच में। तो आपको वो समय देना पड़ेगा, राइट। और अभी से आप वो तैयारी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली इन तरीकों के साथ, जहां पर हम जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, स्मार्ट स्टडी मेथड्स, वो मेमोरी मेथड्स, वो जब हम पूरा पैकेज दे देंगे तो सफलता भागकर जाएगी कहां, जरा इसका अंदाजा लगाइए, राइट। तो सफलता आपकी रहेगी, बस कदम दर कदम हमारे साथ चलते जाना है, और एक दिन आप अपने माता पिता को, अपने समाज को जो है न सिर्फ आप उनको गौरवान्वित कर सकेंगे, उनको प्राउड मूवमेंट दे सकेंगे, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बनकर निकलेंगे, एक बढ़िया अधिकारी बनकर निकलेंगे जो नेशन के लिए, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए अपने गाइड ओजांग के साथ। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको मैं, चाहे अपनी क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैं आप तक जो है उन समस्याओं का समाधान पहुंचाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहा हूं। आपको ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसको शेयर करें, राइट, इसको जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ चल सकें और आपको मैं आपकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू। आपका दोस्त गाइड ओजांग विदा लेता है। धन्यवाद।